कई दिनों से फरार दुष्कर्म के मामले में सरपंच पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जहां पर सरपंच संगीता बिलोनिया के पति विजय बिलोनिया द्वारा महिला को शादी का झांसा देकर उसके साथ एक साल तक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया, जहां पर आरोपी पीड़िता और उसके गर्भ में पल रहे बच्चे को जान से मारने की धमकी भी दे रहा था। युवती ने इस संबंध में DIG से शिकायत की थी। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन के बाद आरोपी विजय बिलोनिया की बुधवार रात को तेजाजी नगर थाना पुलिस ने गिरफ्तारी कर ली है। तेजाजी नगर थाना पुलिस ने बुधवार रात सरपंच संगीता बिलोनिया के पति विजय बिलोनिया को दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार किया है, जिसके विरुद्ध एक महिला ने दुष्कर्म की रिपोर्ट लिखवाई थी। दोपहर को ही विजय का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वह कुंदन व एक अन्य के साथ पेड़ तोड़ने की धमकी दे रहा था, जहाँ पर पुलिस ने रात को ही हवालात में पटक दिया। दरअसल 23 जुलाई को महिला ने सरपंच पति के खिलाफ तेजाजी नगर थाने में दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया था। सरपंच पति और उसके घर वालों के खिलाफ पहले भी उसकी पत्नी वर्षा को आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज हुआ था, जहां पर कोर्ट से वह बरी हो गए थे। जहां पर पुलिस की मानी जाए तो आरोपी विजय 3 अन्य महिलाओं को इस तरीके का धोखा दे चुका है। 26 वर्षीय युवती ने तेजाजी नगर थाने में FIR दर्ज करवाई थी, जहां पर युवती के मुताबिक विजय बिलोनिया से सोशल मीडिया पर दोस्ती हुई थी, जिसके बाद विजय की पत्नी सरपंच है। दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई और इस दौरान वह गर्भवती भी हो गई, और जब उसने शादी की बात कही तो सरपंच पति ने जान से मारने की धमकी दी। युवती के मुताबिक आरोपी ने 2 शादियां पहले कर चुका है, जहां पर अपनी पहली पत्नी वर्षा को मार डाला और उसे आत्महत्या घोषित कर चुका है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को देर रात IT चौराहे से गिरफ्तार किया है। थाना तेजाजी नगर में एक युवती की रिपोर्ट पर धारा 376 का अपराध पंजीबद्ध किया गया था, जिसने युवती ने ग्राम मरुद के सरपंच पति विजय बिलोनिया पर आरोप लगाया था कि एक वर्ष से जो है उसने उसके साथ में जो है शादी का प्रलोभन देकर और गलत कार्य किया है। इस पर अपराध धारा 376 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था। कल आरोपी को सरपंच लगातार लगभग 4-5 दिन से फरार चल रहा था। कल पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर उसको IT पार्क चौराहे के पास से गिरफ्तार किया है। सरपंच ये इनकी पत्नी सरपंच है, कहाँ की सरपंच? ग्राम मरुद। तो एक वीडियो वायरल भी हुआ था जिसमें उसने धमकी भी दी थी, इस तरह का कुछ के बाद में इस तरह का जो है नहीं वीडियो एक मैंने भी देखा है, सोशल मीडिया पे चल रहा है, लेकिन वीडियो में ये स्पष्ट नहीं है कि किस मैटर को लेकर और किसके बारे में बोल रहा है। वो चूंकि बड़बोला तो है ही वो, और उस कारण किसी मैटर को लेकर वो बोल रहा है, लेकिन उसमें कहीं ऐसा स्पष्ट नहीं है कि किस मैटर को लेकर बोल रहा है, लेकिन उसको भी हम गंभीरता से लेते हुए उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए इंदौर से तबरेज खान की रिपोर्ट।